फ्रेंड्स, सबसे बिजी और सबसे क्रूशियल मंथ अगर कोई होता है पूरे साल में तो वो होता है अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर में इतनी ड्यू डेट्स होती हैं, अगर कोई भी एक ड्यू डेट हमने मिस कर दी तो बहुत हैवी पेनाल्टी लग सकती है। तो इस हैवी पेनाल्टी को अवॉइड करने के लिए हमें उन ड्यू डेट के बारे में पता होना चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो ड्यू डेट कब कब आती हैं ताकि हम उनके साथ कंप्लाई कर सकें। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितनी भी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं अक्टूबर में वो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जब ये मंथ स्टार्ट होता है तो 7th ऑफ अक्टूबर को ड्यू डेट आती है TDS पेमेंट की। जो भी आपने पेमेंट करे हैं लास्ट मंथ सितंबर में, उस पर जो भी TDS आपने डिडक्ट करा है उसको पे करने की जो ड्यू डेट है वो है 7th ऑफ अक्टूबर। उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हर महीने की 11 को GSTR 1 की ड्यू डेट होती है, बट इस बार GSTR 1 मंथली की ड्यू डेट है 11th ऑफ अक्टूबर, और क्योंकि क्वार्टर भी एंड हो रहा है तो GSTR 1 जो क्वार्टरली जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है उनकी ड्यू डेट होगी 13th ऑफ अक्टूबर। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे और 14 अक्टूबर नेक्स्ट डे उसके जो कंपनी जो फर्स्ट टाइम कंपनी बनी है और जिनमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होनी है तो ADT 1 फॉर्म फिल करने की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 14 ऑफ अक्टूबर। 30 तारीख होती है AGM की, वहाँ से 15 डेज होते हैं 14 ऑफ अक्टूबर को ADT 1 की ड्यू डेट होती है। ठीक है सर, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट डे 15 ऑफ अक्टूबर को ड्यू डेट होगी PF ESI रिटर्न की। तो वैसे तो हर मंथ की 15 से पहले हमें PF ESI का कॉन्ट्रीब्यूशन फाइल करना होता है, इसलिए 15 ऑफ अक्टूबर को ड्यू डेट आ जाएगी PF ESI की। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो रेरा सेम डे 15 ऑफ अक्टूबर को PF ESI की भी ड्यू डेट है, और जो प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड होते हैं रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट में उनका क्वार्टरली प्रोग्रेस रिटर्न जाता है, रिपोर्ट जाती है 15 ऑफ अक्टूबर तक, तो रेरा की रिटर्न भी 15 अक्टूबर तक आपको फाइल करनी है क्वार्टरली रिटर्न। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इस बार क्वार्टर एंड हो रहा है तो जो लोग GST कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर हैं उनको फिल करना होगा CMP 08, उसकी ड्यू डेट आ जाएगी 18th ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ तक जो ड्यू डेट हो गई, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हर मंथ की 20 को आती है GSTR 3B, बट इस बार क्योंकि क्वार्टर एंड है तो मंथली 28th अक्टूबर, और जो क्वार्टरली GSTR 3B ऑप्ट करके बैठे हैं उनकी होगी 22 एंड 24, डिपेंड करता है वो कौन से स्टेट में हैं। ठीक है सर, उसके बाद 30 अक्टूबर को कंपनी के एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट आ जाएगी AOC 4, इसमें सारे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह जो है वो ROC में फाइल किया जाता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कंपनी के जो एनुअल कंप्लायंस होते हैं उनमें एक फॉर्म जाता है AOC 4, उसकी भी ड्यू डेट अक्टूबर में ही है 30 अक्टूबर को। ठीक है सर, उसके बाद जो निधि कंपनीज होती हैं, निधि कंपनी का हर 6 मंथ पे एक रिटर्न जाता है NDH 3, इसमें निधि कंपनी ने जितने डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं जितने लोन बांटे हैं ये पूरा का पूरा डिटेल पूरा का पूरा पर्टिकुलर वहाँ पर फाइल होता है, उसकी भी ड्यू डेट होती है 30th ऑफ अक्टूबर। उसके बाद आगे चलेंगे 31st अक्टूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है, एक तो होती है TDS रिटर्न की, तो जो पिछले तीनों क्वार्टर में आपने TDS का पेमेंट कर दिया है तो अब बारी आती है TDS रिटर्न को फाइल करने की, उसकी ड्यू डेट होती है 31st अक्टूबर, और इसी दिन साल की सबसे इंपॉर्टेंट ड्यू डेट भी आ जाती है वो है इनकम टैक्स रिटर्न। जो नॉन ऑडिट केस थे उनका 31st जुलाई थी, ड्यू डेट जा चुकी है, जो ऑडिट केस हैं जो कंपनी के ITR हैं उन सभी की जो ड्यू डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न की वो होती है 31st अक्टूबर। तो ये कुल मिलाकर 13-14 तरह की ड्यू डेट हैं जो अक्टूबर मंथ में मतलब फॉल करती हैं, इनके साथ कंप्लाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक भी ड्यू डेट अगर आपने मिस करी बहुत हैवी पेनाल्टी लग जाती है। तो ये वीडियो में हम यही कवर कर रहे थे जिससे कि हमसे कोई भी ड्यू डेट मिस ना होने पाए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, ऐसे ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।